Hey guys, it's me Pratha. In this video, I'm preparing for psychology for my CUET exam, which is on 21st of May. And even though मैंने आज तक psychology कभी पढ़ा नहीं है, so I thought to give it a try. Even though marks doesn't matter to me, क्योंकि अगर मेरे अच्छे marks आ भी जाएंगे, तो my parents will never allow me for psychology and especially BA and BSc. So yes, उसके लिए मैंने सोचा cute copy लेते ताकि मुझे inspiration मिले पढ़ने के लिए. तो मैंने copy ली and इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करा एंड आई एम रियली इन्जॉइंग इट. द टॉपिक्स विच इज़ वेरी इसे थोड़े से रिलेटेबल एंड सो इंटरेस्टिंग. इतना पढ़ने मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा. बट देखते हैं एग्ज़ाम कैसा जाता है. आई एम थिंकिंग टू गिव माई 100% ताकि मैं देख सकूँ कि मैं जब अपना 100% देती हूँ तो क्या रिजल्ट आते हैं. तो हाँ, मैंने एक ये यूट्यूब चैनल है फिजिक्स वाला का ही, उसके अंदर पढ़ा चैप्टर, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया. मैंने अच्छे से नोट्स बनाए जो मुझे सही लगे, उस हिसाब से मैंने पढ़ा. एंड बहुत कम रिसोर्सेज अवेलेबल है फॉर सीयूई की, मतलब साइकोलॉजी के लिए. तो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो मिल गया. मुझे नोट्स मिल गए एंड मुझे ये वीडियो लेक्चर्स मिल गए, तो बहुत हेल्प हो गई मेरी. सो यस, साइकोलॉजी पेपर विच इज़ ऑन 21st of May. एंड अभी तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया है. आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इनके वालों ने क्यों करा है, बट मेरा एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है फॉर दैट एग्ज़ाम. बट हाँ, तो मैं इसके लिए पढ़ रही थी क्योंकि मैंने आज तक नहीं पढ़ा है. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम CUET की वाला, जो कि फिजिक्स वाला का ही है. एंड यस, एंड मैंने कॉमेंट्स देखे. ओ माई गॉड, देर आर सो मैनी कॉमेंट्स लाइक कि आप 12th ग्रेड के ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स बनाओ एंड नीट के लिए अपना वो बताओ कि कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए. तो हेयर आई एम विथ अ ग्रेट सॉल्यूशन फॉर ऑल द न्यू स्टूडेंट्स एंड फॉर द ड्रॉपर स्टूडेंट्स, फॉर द 12th ग्रेडर्स, 11th ग्रेडर्स और जो भी बच्चे हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट. सो माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज फिजिक्स वाला, जिनकी अभी न्यू बैचेस भी आई है एंड उनकी यकीन 2.0 स्टार्ट हुई है 20th May से. यू कैन इवन यूज माई कूपन कोड विच इज ऑन द स्क्रीन, तो उससे आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा. PW की सारी बैचेस के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी. दे इवन प्रोवाइड DPPs विद वीडियो सॉल्यूशंस एंड बैचेस के साथ ही साथ आपको मॉड्यूल्स भी मिलती है. नोट्स की PDF विल बी प्रोवाइडेड ऑन द फिजिक्स वाला ऐप एंड साथ ही साथ शेड्यूल्ड टेस्ट्स विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द टेस्ट प्लानर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, द लिंक्स आर प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो एंड मेक श्योर टू यूज माई कूपन कोड विच इज ऑन द स्क्रीन, क्योंकि उससे डिस्काउंट मिलेगा एंड डिस्काउंट किसको नहीं चाहिए. सो यस, अच्छे अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करो. आई एम स्टार्टिंग फॉर साइकोलॉजी राइट नाउ एंड कितना शोर हो रहा है, ओ माई गॉड. एंड हाँ, अभी मैंने खाना तो जल्दी खा लिया था आज, तो उसकी कुछ आज से दिक्कत ही नहीं. हालत कैसी हो गई है, मेरे बाल मैंने हेयर कट करवाया था जिसके बाद मेरे बाल इतने ज्यादा खराब हो गए हैं, इतना हेयर फॉल हो रहा है. अभी भी मेरे ऐसे छोटे छोटे बैंड से तो मुझे ऐसा बन बना कर रखना पड़ रहा है, मैंने वो बाल मेरे पूरे मुंह पर. मैं इतनी गंदी दिखती हूँ, आई लुक सो स्कैरी. गंदी तो नहीं, ये एग्जाम के चक्कर में मैंने इयर रिंग निकाल दिया, मैं कैसी दिख रही हूँ अभी. तो ये भी मैंने अभी पहना है, मैंने ये उतार रखा था. बट हाँ ओके, अभी मैं पढ़ लेती हूँ, साइकोलॉजी पूरा सिलेबस खत्म करना है. सो बाय. हाय गाइस, इट्स मी प्रथा एंड अभी हो रहे हैं 7:30 एंड इट्स द नेक्स्ट डे. एंड आज मैंने साइकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है एंड कल फर्स्ट चैप्टर करा था. एंड मैं बहुत ज़्यादा ढीले काम कर रही हूँ. मैंने सुबह से पूरी एक सीरीज, एक वेब सीरीज पूरी देख ली है जिसके एक एक घंटे के एपिसोड है. लाइक एक एपिसोड बचा है पर वो भी मैं देख ही लूँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है. एंड ये सब हरकतों की वजह से आज का दिन थोड़ा अनप्रोडक्टिव था जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सीरीज. बाकी तो बहुत प्रोडक्टिव था. आई डिड एवरीथिंग, आई डिड ऑल द कोर्स, मतलब जैसे मैंने बर्तन तक धोए, विच आई हेट द मोस्ट.
क्या क्या बताना पड़ रहा है, बट हाँ घर में अकेले रहते हो तो ये सब तो करना ही पड़ता है। एंड मैंने और क्या करा, और कुछ नहीं करा। अरे हाँ मैं सिर्फ यही कर, मुझे पैकिंग भी करनी है, ये उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेट मी नो सम वीडियो आइडियाज इन द कॉमेंट सेक्शन, इवन आई एम पोस्टिंग वेरी कंसिस्टेंटली नाउ डेज, बट स्टिल लेट मी नो सम गुड वीडियो आइडियाज, लाइक सम चैलेंजेस और कुछ भी, क्योंकि अभी तो मैं घर में बोर ही हो रही हूँ, तो अभी तो मैं कर सकती हूँ 25 के पहले, उसके बाद मैं चले जाऊँगी। इवन तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आई एम टू लेजी, मैं इतनी ज़्यादा आलसी हो गई हूँ आजकल। एंड मेक श्योर टू चेक आउट माई पॉडकास्ट ऑन स्पॉटीफाई, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा एक्चुअली, क्योंकि मैं इतनी आलसी हो चुकी हूँ। आई जस्ट स्क्रोल थ्रू माई फोन ऑल डे, अपलोड वीडियोज, फिल्म देम, एडिट देम, एंड आई एडिटेड दिस प्यारा सा इंट्रो, विच इज़ बहुत अजीब, बट लेट सी मैं उसको सब में यूज़ करती हूँ फिर नहीं। बट ये मैं ऐसी हरकत की कर रही हूँ, अपने बारे से एकदम थोड़ी सी इनसिक्योर फील हो रहा है मुझे। सो बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं एक बार अच्छे से स्ट्रेट कर लूँगी तो मेरा एक हफ्ते तक काम हो जाएगा। सो यस, बाय बाय।